जी भगवान श्री राम की आरती करेंगे। पंडित अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई चाहता है कि वो एक बार रामलला के दर्शन जरूर करें। ऐसे में सोमवार को रात 10:35 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। करीब 1400 श्रद्धालुओं को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा राहुल नारवेकर, प्रवीण दरेकर मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस और राहुल नारवेकर ने भगवान राम की आरती की और प्लेटफॉर्म पर जाकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उत्साहित श्रद्धालु अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि हमने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी प्रभु राम के दर्शन हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। देखिए, मुंबई से राम सेवकों के, राम भक्तों की एक आस्था ट्रेन आज रवाना हो रही है अयोध्या के लिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रामलला का दर्शन ये जाकर कर पाएंगे। बहुत उत्साह लोगों में है और मेरा विश्वास है कि राम भक्ति का जो ज्वार है ये ऐसा ही बढ़ते रहने वाला, ये कम नहीं होने वाला। ये अयोध्या के लिए ट्रेन शुरू की गई है। बहुत ही महापर्व चल रहा है अमृत काल के समय में और उत्तर मुंबई ने पूरे भारतवर्ष से ट्रेनें चालू हैं। ये मोदी जी के अथक प्रयत्नों से और प्रयास से हुआ है। जिनको संभव नहीं था अयोध्या जाना, जो कभी हमारे लिए तो कल्पना थी, सब कल्पना की विषय था कि कभी राम मंदिर बनेगा, कभी जाएंगे। आस्था का सैलाब है, राम राज है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहून व्यापा। और सीए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम बोलो भारत माता की जय। भगवान राम का दर्शन करने का मौका मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम का दर्शन करने का मिल गया है और हमारे मोदी जी की कृपा है जो 500 साल के बाद उनका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। तो हम तो सोचते हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और हम इसके कहते हैं साक्षात है कि हमारे सामने भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी बहुत साथ में आए हैं, यहाँ पे पूरा वही हरी झंडी दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी ये है। मेरा नाम है पंडित सिकंदर शर्मा, कांदीवली ईस्ट से हूँ मैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।